बच्चों, आज हम क्लास 7th की वर्कशीट 10 करेंगे। और इस वर्कशीट को करने से पहले मैं बताना चाहूँगी, दोनों मीडियम के बच्चों के लिए वर्कशीट है ये। पहले हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए, उसके बाद इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के लिए। आइए शुरू करते हैं। आज की जो वर्कशीट है उसका नाम है प्राणियों में पोषण। जैसे आपने पढ़ा न्यूट्रिशन, डाइजेशन पढ़ा ह्यूमन बींग्स के अंदर, अब प्राणियों में पोषण के अंदर तीन चीज़ें हैं इसके अंदर, दूध के दांत, स्थायी दांत, मिठाइयाँ और दंश। अब इनमें क्या रिलेशन है? अभी एक थोड़ा सा एक एक्टिविटी के थ्रू या एक एक्सपीरियंस के थ्रू हम इसको शुरू करते हैं। एक दिन घर में भोजन करते समय, आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा, राजू जो 7 साल का बच्चा है ने पाया कि उसका एक दांत ढीला हो गया है। वह स्थायी रूप से अपने दांत खोने के डर से रोने लगा। उसको लगा कि दांत परमानेंटली टूट जाएंगे। लेकिन उसकी माँ ने मुस्कुराते हुए उसे दूध के दांत और स्थायी दांत के बारे में बताया। दूध के दांत, चलिए पता करते हैं दूध के दांत होते क्या हैं। सबसे पहले जो भोजन को हम जब मुंह के माध्यम से ग्रहण करते हैं तो जो दांत कहाँ क्या करते हैं, उस भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में छोटे छोटे टुकड़ों में बदल देते हैं। तो क्या आप जानते हैं कि अपने आपके जीवन में 2 बार दांतों का सेट प्राप्त करते हैं, एक होता है दूध के दांत और एक होते हैं स्थायी दांत। तो दूध के दांत क्या होते हैं और किस उम्र के बच्चों के लिए होते हैं? ये जो शिशु काल है, 1 से 2 साल की आयु के बच्चे, उनके उनका दांतों का पहला सेट निकलता है और लगभग 6 से 8 वर्ष की आयु तक ये सभी दांत गिर जाते हैं दोबारा। इन्हें दूध के दांत कहा जाते हैं। अरे हाँ, हम सब अपना दूध का दांत खो चुके हैं, फिर मेरा अभी के दांतों का सेट क्या कहलाएगा? मतलब सबने एक्सपीरियंस किया होगा जब वो अपने बचपन में सबके दांत टूटे हैं और टूटने के बाद वो दांत दोबारा आ जाते हैं तो उनको क्या बोलेंगे? स्थायी दांत। जब दूध के दांत टूट जाते हैं और उसके स्थान पर दूसरा सेट दांतों का निकलता है, उन्हें स्थायी दांत कहते हैं। मतलब वो परमानेंट है अब। और परमानेंट दांत जो होते हैं, स्थायी दांत जो होते हैं, पूरे जीवन भर बने रहते हैं, परंतु बुढ़ापे के दौरान फिर गिर सकते हैं। इसलिए स्थायी दांत 4 प्रकार के होते हैं। एक होता है कृंतक, जो आगे होते हैं, रदनक, फिर उसके पीछे एक सेट होता है 3 का, अग्रचर्मणक और चर्मणक। ये हम पहली वर्कशीट में पढ़ चुके हैं। लेकिन आप अपने दांत खो सकते हैं यदि आप उन्हें ठीक से देखभाल नहीं करेंगे। आपके मम्मी पापा हमेशा कहते होंगे कि आपको खाना खाने के बाद सुबह और रात को ज़रूर ब्रश करके सोना चाहिए, क्योंकि हम भोजन करने और मीठा, जैसे कुछ चॉकलेट है, मिठाइयाँ हैं, खूब सारी खा लेते हैं और खाने के बाद मुंह और दांतों को साफ़ नहीं करते, तो हमारे मुंह के अंदर जो जीवाणु पनपने लग जाते हैं, तो वो जीवाणु हमारे दांतों में फंसे हुए भोजन को शर्करा मतलब शुगर में बदलकर, जो शुगर होती है उनकी जो मिठास होता है भोजन के अंदर, उसको अम्ल में बदल देते हैं, एसिड में बना देते हैं। और ये अम्ल धीरे धीरे हमारे दांतों को नुकसान पहुँचाता है, जिसे दंतक्षय कहते हैं। तो दंतक्षय होना जायज है अगर हम अपने दांतों को देखभाल नहीं करेंगे। और दांतों की देखभाल कैसे करनी चाहिए? प्रतिदिन हमें कम से कम 2 बार ब्रश या दांतों से साफ़ करना चाहिए। कुछ भी आप खाते हैं दिन में, पूरा दिन तुरंत कुल्ला करना चाहिए। मुख के अंदर गंदी उंगली या बिना धुली हुई वस्तु नहीं डालनी चाहिए। तो आप अपने ये प्रश्न है इस वर्कशीट के आधार पर करेंगे कि आखिरी बार जब आपका दूध का दांत टूटा था तो आपकी उम्र क्या थी, आप मम्मी के साथ शेयर कर सकते हैं। दूसरा, स्थायी दांत के विभिन्न प्रकार कौन कौन से हैं, ये 4 मैंने बताए अभी अभी। दंतक्षय की रोकथाम के लिए किन 3 अच्छी आदतें हैं? ये अच्छी आदतें हैं, रिक्त स्थान भरिए, डैश के दौरान दूध के दांतों का सेट निकलता है, शिशुकाल 6 से 8 साल तक के बच्चों का, और लगभग ये गिर जाते हैं, 1 से 2 के दौरान ये सेट निकलता है, और यहाँ 6 से 8 वर्ष की आयु तक ये गिर जाते हैं। नाउ द टाइम फॉर द इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स, and today's worksheet is worksheet number 10, and today's topic is nutrition in animals, and we will cover the topics milk teeth and permanent teeth, sweets and tooth decay. Now what is the relation between sweets and tooth decay, we will discuss. Now everybody has experience of their childhood that when they are young, then they lost their teeth at the age of 6 to 8, and similarly, Raju is a child, he is 7 year old, and then he found that one of his teeth loosened, then he started crying with the fear to lose his teeth permanently. But his mother smiled and told him about the milk teeth and permanent teeth. Then he surprised, milk teeth? So what is milk teeth?
यू हैव ऑल्सो एक्सपीरियंस्ड दैट व्हेन वी टेक फूड इनटू द थ्रू द माउथ देर इट गेट्स ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉल पीसेज विद द हेल्प ऑफ टीथ नाउ बट वी गेट आवर सेट ऑफ द टीथ टू टाइम्स इन आवर लाइफ फर्स्ट वन इज मिल्क टीथ The first set of the teeth grows during infancy, that is 1 to 2 years of age, and they fall off at the age between 6 to 8 years. These are called milk teeth. So we all have lost our milk teeth, and then what is about our present set of the teeth? They are called permanent teeth. Now, what are permanent teeth? The second set of the teeth that replaces milk teeth are called permanent teeth. And permanent teeth may last throughout the life or fall off during old age again. Permanent teeth are of the four kinds, incisors, canine, premolar and molar that we have studied in the previous worksheet. And but where if you can lose your teeth if you don't care them properly. And what is the reason of not caring your teeth? That is tooth decay. What is tooth decay? Everybody knows that when we eat food, then some left out food remains in our teeth and the bacteria grow in our mouth if you don't clean your mouth or teeth after eating or eat excess sweets and chocolates. Then these bacteria break down the sugars present from the leftover food and release acids, which gradually damage the teeth. This is called tooth decay. Now, how can we prevent our teeth, dental care, that is a good habit, so that tooth decay can be removed? Or first one is, we should clean our teeth with a brush or dentin, datun, at least twice a day. We should rinse the mouth after every meal. We should not put dirty fingers or unwashed object in our mouth. So, on the basis of the worksheet, you have to do all these questions in your notebook. I hope you understand the concept of milk teeth, permanent teeth, as well as tooth decay, and how can we care dental care of our teeth so that we never lose our teeth and it remain always shining. Keep watching Super Vigyan. Thank you so much.